इस वीडियो में हम बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का जो चैप्टर है उसका पार्ट टू हम देखते हैं। तो हमने इससे पहले वाला पूरा देख लिया था कि क्या क्या होता है चैप्टर में। बिपिन चौधरी को अपनी रांची की जो ट्रिप होती है वो याद नहीं आ रही होती है, तो वो था। अब आगे का पार्ट देखते हैं। अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं दिनेश को, वो कहता है कि हाँ ट्रिप पे गए थे और तुम भी मेरे साथ थे। तो पूरा उनकी बॉडी में चिल सा दौड़ जाता है और सनसनाहट सी हो जाती है, उनकी एपेटाइट लॉस्ट हो जाती है, भूख भी मर जाती है। तो फिर आगे का है इसमें कि लंच के बाद बिपिन बाबू ऐसा रियलाइज़ करते हैं कि उनके लिए काम कर पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो रहा है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ 25 ईयर्स में। वो इतने सालों से इस फिल्म में काम कर रहे हैं और उनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन है कि वो टायरलेस हैं, थकते नहीं हैं, कंस्टेंटेनियस वर्कर हैं, मतलब केयरफुली बहुत ही अच्छे से सही सारा का सारा काम करते हैं। मगर टुडे आज जो है उनका दिमाग इतना ज़्यादा व्रिल में है, मतलब कन्फ्यूजन में है, वो कुछ भी क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं। फिर वो 2:30 पे 2:30 बजे अपने घर वापस आ गए। अपने घर आकर के वो बेड पर लेट गए और विट्स टुगेदर, मतलब सोचने लगे कि एक्चुअल में उनको ये बात क्यों नहीं याद आ रही है। उनको ऐसा लगा था कि इम्पॉसिबल है, एक इन मतलब मेमोरी का एक पार्ट, एक हफ्ते की जो ट्रिप थी उनके लिए, वो बिल्कुल भूल जाना, एकदम गायब हो जाना उनके दिमाग से। ये वाली चीज़ तो एकदम जैसे कि इम्पॉसिबल सी थी एक इंस्टेंस के लिए, मतलब कैसे उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे और अगर वहाँ गए थे तो उसको कैसे वो भूल गए, ये तो एकदम इम्पॉसिबल सी चीज़ थी। एट 73 बिपिन, मतलब 73 उनकी एज थी इस टाइम पे, बिपिन बाबू का जो सर्वेंट था वो मतलब अनाउंस करता है कि उनका जो एक फ्रेंड है, सॉरी 73 उनकी एज नहीं थी, आई एम सॉरी, 7:30 जो है वो टाइम हो रहा था उस टाइम, शाम का टाइम था, 7:30 बज गए थे। तो बिपिन बाबू का जो सर्वेंट है वो उनको बताते हैं कि चुन्नी बाबू जो हैं वो आए हैं और वो कह रहे हैं, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिपिन बाबू को पता था कि जो चुन्नी है, चुन्नी लाल जो हैं वो किस लिए आए होंगे। चुन्नी लाल और बिपिन बाबू एक साथ स्कूल में थे, मगर अब जो चीज़ें हैं चुन्नी लाल के लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। बिपिन बाबू से वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से उनके लिए मतलब वो जॉब कहीं से ढूंढ दें, मगर बिपिन बाबू को मतलब नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कोई भी जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मगर चुन्नी को लगता है कि मतलब बिपिन बाबू कर सकते हैं, तो बार 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 उनके पास वो आते हैं ये कहने के लिए कि उनकी कहीं ना कहीं वो जॉब जो है लगवा दें। मगर वो अभी भी डेली काफ़ी बार पहले आ चुके हैं और आज भी आए हैं। सून जो है सर्वेंट उनको बोल करके चला जाता है। बिपिन बाबू को फिर एकदम से याद आता है कि चुन्नी को ज़रूर याद होगा जो 1958 की जो ट्रिप थी वो क्या थी, और कोई नुकसान तो है नहीं उससे ये बात पूछने में। बिपिन बाबू जल्दी जल्दी स्टेयर से सीढ़ियों से नीचे उतर करके लिविंग रूम में गए, भाई जहाँ पे मेहमान बैठते हैं वहाँ पर, और एकदम से पूछने लगे, मतलब उनके जाने से पहले कि होपफुली एकदम से उनके पास गए कि इधर उधर की बातें, बीट अबाउट द बुश नहीं किया उन्होंने, इधर उधर की बातें नहीं की और डायरेक्टली पूछा कि मतलब चुन्नी तुम्हारी तो मेमोरी काफ़ी अच्छी है, तो क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो कि रांची 1958 के बारे में। तो चुन्नी कहता है 58 हाँ या फिर 59। तो वो कहता है कि 58 में क्या मतलब, मैं रांची गया था, डिड आई गो टू रांची। तो चुन्नी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजमेंट में, मतलब बहुत चक्का सा होके देखने लगता है उनकी तरफ। वो कहते हैं कि बिना किसी डाउट के हाँ मैं बिल्कुल क्लियरली रिमेम्बर कर सकता हूँ कि हाँ मतलब गए थे तुम। चुन्नी जो है वो सोफे पे बैठ जाते हैं और बिपिन बाबू को मतलब घूर घूर के देखने लगते हैं और उनसे कहते हैं, क्या तुम कोई ड्रग्स या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं ले ले रहे हो कि मतलब तुम इतनी एक लंबी ट्रिप जो है वो भूल गए हो, और क्लियरली थी वहाँ तुम गए थे इतनी सारी जगह, और ये सब वो बोलते हैं। फिर वो चुन्नीलाल बोलते हैं कि हाँ मतलब हमारी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, मगर मेरे को ये बात समझ में आ गई है कि हमारी फ्रेंडशिप की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे लिए। वो कहते हैं कि क्या तुम सच में रांची के ट्रिप के बारे में भूल गए हो सब कुछ। फिर वो चुन्नी बताता है कि जो तुम रांची की ट्रिप पर गए थे वो मतलब बिल्कुल भूल गए हो। फिर वो चुन्नी पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब क्या थी इससे पहले। तो वो कहते हैं कि बिपिन बाबू कि हाँ ऑफ कोर्स तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। तो चुन्नी लाल बोलते हैं कि उसी ट्रैवल एजेंसी में मैं जब काम करता था तो मैंने
तुम्हें तुम्हारी जो रांची की ट्रिप है वो अरेंज करवाई थी, और तुम्हें मैं रेलवे स्टेशन पर जो है छोड़ने भी आया था तुम्हारे कंपार्टमेंट का। रेलवे कंपार्टमेंट का पंखा चल नहीं रहा था तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी भेजा था वहाँ पर उसको ठीक करवाने के लिए। क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? फिर बिपिन बाबू एकदम से साय करते हैं, मतलब लंबी सांस लेते हैं और अपना सर हिलाते हैं कि हाँ उन्हें कुछ भी अब याद नहीं है। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही, मतलब उनको लगता है, सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से कई सालों से काम कर रहा हूँ, मे बी ये रीज़न हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ें भूल रहा हूँ। फिर वो खुद भी सोचते हैं, उनका फ्रेंड भी कहता है कि तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए इस बात के लिए। फिर डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुनीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट जॉब। अब चुनीलाल जो है इनकी कंडीशन देख के, बिपिन बाबू की कंडीशन, जॉब के लिए कुछ भी मैंशन नहीं करते हैं और चुपचाप वहाँ से जो है चले जाते हैं। फिर प्रकाश चड्ढा एक यंग फिजिशियन होते हैं, उनकी ब्राइट आइज़ और ब्राइट नोज़ होती है, वो काफ़ी थॉटफुल होते हैं, तो उनके पास जाते हैं बिपिन चंद्रा सॉरी बिपिन बाबू जो हैं, और जाकर के अपने सिम्टम्स के बारे में बताते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम है। फिर डॉक्टर चड्ढा बोलते हैं बहुत ही बिपिन बाबू से कि यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस, मतलब बिपिन बाबू चड्ढा डॉक्टर चड्ढा से बोलते हैं कि ये जो हॉरिबल इलनेस है, ये इतनी ज़्यादा बुरी बीमारी जो मुझे लग गई है, आपको इसको बिल्कुल मेरे को ठीक करना होगा, और मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरीके से मेरी मेरे वर्क को, मेरे काम को इफ़ेक्ट कर रही है। फिर डॉक्टर चड्ढा जो है अपना सर हिलाते हैं, फिर वो कहते हैं कि मिस्टर चौधरी, मेरा जो है ये आपका जो केस है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और फ्रैंकली इस जिस जो प्रॉब्लम आपको हुई है वो फ्रैंकली, मतलब बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं कि इसका ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो कहते हैं कि मगर मेरे पास एक सजेशन है जो आप कर सकते हैं और इससे कोई हार्म भी आपको नहीं होगा। तो बिपिन बाबू बोलते हैं एंशियसली कि वो क्या है। तो डॉक्टर चड्ढा बोलते हैं कि मेरी ओपिनियन है, मेरी ये राय है कि आपको एक बार रांची जाना चाहिए, हो सकता है अगर आप वहाँ जाएं तो शायद आपको जो आपकी मेमोरी में नहीं है चीज़ें, आपको वही चीज़ें आप दोबारा अगर देखेंगे तो हो सकता है ऐसा कि उस ट्रिप से आपको वो पुरानी चीज़ें याद आ जाएँ, है ना, और आप कोई हार्म तो है नहीं वहाँ जाने में। फिर भी क्या है, डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर चड्ढा, कि मैं आपको कुछ ट्रैंकुलाइज़र, ट्रैंकुलाइज़र होता है दिमाग को आराम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आप उनको ले करके सो सकते हैं, और ताकि आपके सिम्टम्स जो हैं ये भूलने के शायद इससे ना पड़े। फिर वो दवाई लेके बिपिन बाबू को कुछ अच्छा सा फील हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने ऑफिस को कॉल करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि क्या क्या काम ऑफिस में है, और फर्स्ट क्लास की टिकट रांची जाने के लिए उसी शाम की वो बुक कर देते हैं। अब चले गए वो, फिर ट्रेन से, जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग, शाम की ट्रेन थी, अगले दिन वो रांची पहुँच जाते हैं। उनको ये रियलाइज़ होता है वहाँ पहुँच कर कि वो यहाँ पर कभी भी नहीं आए हैं। फिर वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, टैक्सी लेते हैं और कुछ देर तक टाउन में घूमते हैं। उनको ये रियलाइज़ होता है कि जो स्ट्रीट्स, ये जो सड़कें हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, होटल, बाज़ार, मोराबाड़ी हिल्स जो हैं, ये उनके लिए मतलब स्लाइटेस्ट एक्विटेंस भी नहीं है। स्लाइटेस्ट एक्विटेंस का मतलब पहले उन्होंने ये सब चीज़ें कभी देखी ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं याद आ रहा है। तो वो सोचते हैं कि उस इंसान ने तो हुंटरू फॉल के बारे में भी कुछ जिक्र किया था, तो हुंटरू फॉल्स जाके देखते हैं, मगर उनको ये बिलीव नहीं आ रहा था कि जब इतना सब उन्हें याद नहीं आया तो हुंटरू फॉल जा कर के भी क्या ही फ़ायदा होगा। फिर भी उन्होंने सोचा इतना दूर आए हैं तो एक बार हुंटरू फॉल्स भी जा कर के देख ही लिया जाए, क्या पता कुछ याद ही आ जाए। फिर शाम के 5 बजे वो हुंटरू फॉल्स पहुँच जाते हैं। दो गुजराती जेंटलमैन जो हैं, दो गुजराती लोग थे वहाँ पर जो है, पिकनिकर्स थे, पिकनिक के लिए घूम रहे थे। वो पाते हैं बिपिन बाबू को अनकॉन्शियस पड़े हुए एक बोल्डर के पास, एक पत्थर के पास। बिपिन बाबू जब हुंटरू फॉल्स गए थे तो एक पत्थर के पास एकदम अनकॉन्शियसली बिना होशो हवास के वहाँ पर पड़े हुए थे। जब वो लोग बिपिन बाबू के पास जाते हैं तो बिपिन बाबू उनसे बोलते हैं आई एम फिनिश्ड, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, मतलब वो बोलते हैं कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ बिपिन बाबू उन लोगों से, और कोई भी होप, कोई भी उम्मीद अब ज़िंदगी में नहीं बची है। अगले दिन जो है बिपिन बाबू वो कलकत्ता वापस आ जाते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं कि अब उनके लिए कोई भी होप नहीं बची है, जल्दी ही वो सब कुछ गंवा देंगे, उनका काम, उनका खुद पर विश्वास, उनकी एबिलिटी, सारी उनकी काबिलियत और उनका बैलेंस ऑफ माइंड, सारी की सारी चीज़ें वो जल्दी ही खो देंगे, और
शायद वो असाइलम में एंड हो, एक पागल खाने में, क्योंकि वो ये सब उनका भाई को भी मेंटल प्रॉब्लम थी, हो सकता है उनको भी हो ये। अब बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और बहुत नहीं सोच पा रहे थे। फिर उन्होंने वापस आकर घर डॉक्टर चंदा को जो है, सॉरी मैं चड्ढा बोल रही थी इससे पहले, आई एम सो सॉरी, वो चंदा है, डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और उनसे कहा कि वो प्लीज़ उनसे उनके पास आ जाए मिलने। फिर देन आफ्टर अ शावर नहाने के बाद वो बेड पर जा कर के लेट गए और एक आइस बैग जो है वो अपने हेड पर उन्होंने रख लिया। जस्ट देन जैसे ही वो लेटे थे तभी जो सर्वेंट था, जो उनका नौकर था, वो एक लेटर के साथ उनके पास आया और कोई जो लेटर बॉक्स में लेटर छोड़ के गया था, ग्रीन कलर का एनवेलप था और उसमें रेड इंक से लिखा हुआ था उनका नाम। नेम के ऊपर लिखा था कि ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है। अर्जेंट का तो मतलब कि अभी इसको पढ़ा जाना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल कि सिर्फ जिसका नाम लिखा है वही इसको पढ़े। इन स्पाइट ऑफ इस कंडीशन, बिपिन बाबू, उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे, बिपिन बाबू को ये फीलिंग आई कि उनको ये लेटर पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस लेटर को फाड़ा, टोर का मतलब होता है, उन्होंने लेटर को फाड़ा और लेटर को निकाला और लेटर में क्या लिखा था वो उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसमें लिखा था, डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। उसमें लिखा था ये कि जो एफ्लुएंस है मतलब जो अमीरी, जो पैसा तुम्हारे पास है, वो तुम में इतना ज़्यादा बदलाव ले आएगा जो अब बदलाव तुम में आ गया है। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक? क्या तुम्हारे लिए ये चीज़ इतनी मुश्किल हो गई है कि एक पुराने दोस्त की मदद कर सको जिसका किस्मत अभी अच्छी नहीं चल रही है? आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वही है जो चुन्नी लाल थे, ये लिखते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरी जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, वो क्षमताएं अब लिमिटेड हैं। वट आई हैव इज इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। मेरे पास सिर्फ इमेजिनेशन है इस टाइम, सोचने की क्षमता है और उसी को मैंने इस्तेमाल किया जो तुम्हारी जो अन जो तुम्हारा खराब व्यवहार है उसका मतलब तुमको एहसास दिलाने के लिए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अ नॉवल आई हैव रिटन इज बींग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, इफ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो वो लिखते हैं कि इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम सही हो जाओगे, अब मेरी भी कुछ चीज़ें सही हो रही हैं, मैंने एक जो नॉवल लिखी थी एक पब्लिशर ने उसको छापने की मतलब बात कही है और अगर सब सही रहा तो नेक्स्ट कुछ मंथ में वो छप के आ जाएगी, योर चुन्नी लाल। वैन मिस्टर चड्ढा केम, सॉरी चंदा, वैन डॉक्टर चंदा केम, बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। तो जब डॉक्टर चंदा वहाँ पहुँचते हैं बिपिन बाबू के घर, तो डॉक्टर से कहते हैं बिपिन बाबू कि अब मैं ठीक हूँ और जैसे मैं रांची से ट्रेन से उतरा मैं ठीक हो गया था। डॉक्टर चंदा बोलते हैं एक नया, एक अलग सा केस है और मैं इसे मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखूंगा। द रीज़न वाई आर सेंट फॉर यू, सेड बिपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर। फिर वो कहते हैं डॉक्टर से कि मैंने आपको कॉल इसीलिए किया है ताकि आप, मैं गिर गया था हुंड्रू फॉल्स के पास और मेरी हिप में जो है वो पेन हो रहा है, आप कोई पेन किलर बता दीजिए, तो इसलिए। बट एक्चुअल में क्या रीज़न था देखिए, मतलब ये है चैप्टर के एंड में, बिपिन बाबू की कोई भी मेमोरी का लॉस नहीं हुआ था, उनका जो फ्रेंड था ना चुन्नी लाल, जो उनसे कह रहा था मेरी जॉब लगवा दो और बिपिन बाबू कुछ भी उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे, चुन्नी लाल ने बदला लेने के लिए कि मेरा दोस्त मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, इतनी ख़राब आदत हो गई है उसकी, एक मन घर एक कहानी सी रची, सब लोगों को उसके लिए तैयार किया कि बिपिन बाबू को ऐसा एहसास दिलाया जाए कि उनकी मतलब वो पागल हो रहे हैं। बट फाइनली वो एक लेटर लिख के बता देता है कि ये सारा, वो कभी रांची के ट्रिप पर नहीं गए थे सच में और ये सारी की सारी इमेजिनेशन थी, मनगढ़ंत कहानी थी जो चुन्नी लाल ने रची थी। ये थी इस स्टोरी की पूरी मतलब पूरा फाइनल मीनिंग, जो सारी की सारी घटनाएं हो रही थी वो पहले से ही प्लान्ड थी इनको एहसास दिलाने के लिए बिपिन बाबू को कि इनका जो है, इनकी वेल्थ जो इनके पास है, अमीरी है, इसकी वजह से काफ़ी अनग्रेटफुल हो गए हैं, अच्छे नहीं रहे हैं अपने दोस्तों के लिए। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट।